फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं रोज सोचती हूँ कि मैं एक ब्लॉग तो मेरा पर डे जाए। अरे एक ब्लॉग नहीं जाता तो दो तीन दिन में एक ब्लॉग जरूर जाए, मतलब हफ्ते में दो ब्लॉग, तीन ब्लॉग या दो ब्लॉग ऐसे। मैं अभी हो नहीं पा रहा है क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, क्योंकि इनके चक्कर में मैं बिजी चल रही हूँ। और यहाँ पे बरी बना हुआ है, इंडियन घर की खासियत होती है ये सब, तभी तो पता चल गया इंडियन घर का घर है। और चलिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग्स में आगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था मुझे कि कौन सा स्टॉल लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। आप बताइए कमेंट में कौन सा लगा के जाऊँ। जा रहे हैं डॉक्टर के पास, अब देखते हैं क्या रिपोर्ट आएगा। बोले ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो ब्लड टेस्ट के लिए जा रही हूँ, देखती हूँ। पहले मैसी हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे को ब्लड टेस्ट के लिए डॉक्टर बोला था, तो मैं ब्लड टेस्ट करवाने गई थी। और मैं ना थोड़ा सा मतलब कैमरा मतलब यूज नहीं करती हूँ, मतलब मोबाइल का यूज नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैं इनको बोली कि थोड़ा सा रीजन में मेरे साथ वीडियो ले लीजिए, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वही वो जो डॉक्टर जो मतलब जो वहाँ के डॉक्टर थे जो ब्लड ले रहे थे, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, तो वो मेरे को बोल रहे थे कि आप ये वाला कैप्शन, मतलब वो मेरे को कैप्शन बता रहे थे कि ये कैप्शन लिख देना, इस टाइप से लिख देना। तो मैं बोली ठीक है। और मतलब मैं सबको नहीं बताती कि मैं यूट्यूब में वीडियो डालती हूँ, और मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। यहाँ मेरे इंजेक्शन लग रहा था, मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट जब से मैं मेरे बेबी हुए हैं तो तब से मुझे इंजेक्शन से कम डर लगता है, क्योंकि बच्चे होते हैं तो डिलीवरी समय बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगता है। इस चक्कर में थोड़ा सा डर कम हो गया है। और यहाँ पे मेरे को लग रहा था, मतलब वो ब्लड ले रही थी ना, तो मुझे जितना लग रहा था कि ना हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, और ये थोड़ा धीरे से ले रही थी ऐसा लग रहा मुझे, तो दर्द बहुत हो रहा था। मगर जैसे बोलते हैं नहीं पता चला, इंजेक्शन लगता तब नहीं पता चलता, बट अभी बहुत ज़्यादा पता चल रहा था इसमें, कि बहुत दिन बाद मेरा ब्लड टेस्ट हो रहा था। अब देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या आता है। और ये ब्लड टेस्ट इसलिए मैं करवा रही थी क्योंकि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं डॉक्टर पास गई थी। डॉक्टर बोले कि ये आपका ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए करवाई हूँ। यहाँ पर मेरा ब्लड आ रहा था तो इसलिए मेरे को कॉटन दिया गया था, और दर्द बहुत दे रहा। इधर डांस कर, इधर डांस कर, इधर डांस। हाँ नचू करो, नचू करो, नचू करो। ये क्या है और क्या दोगे आप हमको, क्या दोगे? कुलकुले। इसे क्या बोलते हैं? उधर फट गया। खा ले, खा लो। ऐसे हो ना, ऐसे हो ना, ऐसे 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 हो ना, ऐसे। और भैया कहाँ है? भैया कहाँ गए? स्कूल। स्कूल भैया को छोड़ने गए पापा। अच्छा, और पापा कहाँ है? दुकान गए हैं। दुकान गए हैं? हाँ। शॉप बोलते हैं? शॉप। हाँ। पापा कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं? शॉप। भैया स्कूल, और आप स्कूल क्यों नहीं गए? फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, और ये हम लोग को वहाँ मतलब पूजा था, सुहागली पूजा, आप लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वो सुहागन लोग करते हैं, तो वो उस पूजा को अटेंड करने हम लोग जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। फ्रेंड्स, यहाँ जहाँ पूजा हो रहा है वो जगह पे हम लोग पहुँच चुके हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अब बन रहा है बर्थडे ब्लॉग, इसलिए क्योंकि मैं सुबह से बर्थडे ब्लॉग नहीं बना रही थी, केक काटने का बर्थडे तो बोल दो बेटा। केक ले आया गया, और फिर मैंने भी केक लिया है, मैंने भी बोला कि चलो अब काट लिया जाए केक, और मैं बहुत ज्यादा खुश थी, मतलब मेरे चेहरे से दिख नहीं रहा था, बट मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश थी। अम्मा को नहीं खिलाएगा? अम्मा को खिलाएंगे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you।
हाँ छोटा छोटा खिलाओ ए, अपने हाथ से नहीं, अपने हाथ से नहीं शिवांश, अपने हाँ हाँ खिला मुँह खोलो, धीरे से खाना धीरे से। हाँ रुक जाओ बेटू, मैं खिलाऊंगा। यहाँ पे बर्थडे आप लोग सोच रहे होंगे किसका है, तो वीडियो में क्योंकि दो बार कटिंग का है तो वीडियो मतलब केक कट मेरा ही हुआ था, मेरा ही बर्थडे था, बट ना बच्चे लोग ना उन लोग को लग रहा था कि मेरा बर्थडे क्योंकि बर्थडे के समय सबको ना एक्साइटेड होते हैं, बच्चे लोग कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो शिवांश और धृति बोले थे मेरा बर्थडे है, तो हम बोले चलो आप ही लोग काट दीजिए, मैं अभी इनको केक खिला रही हूँ और ब्लॉग भी बना रही हूँ इधर से। रुको रुको, क्या चाहिए पहले बताओ, फ्लावर चाहिए? हाँ। किसको फ्लावर चाहिए? ये फ्लावर किस चाहिए? हाँ ले अम्मो फ्लावर चाहिए, और साइड हो एक लीटर को दे दे। हाँ सुना अति मत क्या कर बेटा, एक हाँ ले चल अब कैसे लग रहा है केक बताओ जल्दी से, अरे एक्शन कर बताओ ना। अच्छा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, आज बनेगा बर्थडे ब्लॉग, जो केक कट चुका है, मैं ब्लॉग बना नहीं रही थी बट मैं बनाने लगी क्योंकि मेरा केक आया था। और किसका बर्थडे था? ये तीनों लोगों का बर्थडे था पर रियलिटी मेरा बर्थडे था, पर इसका भी था और एक हमारे बात बता हाँ बर्थडे इसका था, इसका अब आप सबको लिखना है हैप्पी बर्थडे शिवांश, ठीक है? बर्थडे मेरा था, खुशी भी था, सब था, मगर लास्ट में ये लड़की उसको सब एक कर दी, इसका मुँह कट गया है पूरा लिप और पूरा ब्लड और ब्लड है, रुक नहीं रहा था, एक भी रुक नहीं रहा था, जो केक खा रही है पता नहीं कैसे खा पा रही है, मैं समझ नहीं आ रहा, पर इसका ब्लड एक भी नहीं रुक रहा था दीदी, और कपड़े भरे पूरा ब्लड है। ले जाइए अम्मो केक को, मैं खोल देती हूँ ना, हाँ मैं छोड़ दी नहीं बेटा, चलो आप आराम जाओ ना, चली जाएगी, गिर तो नहीं जाएगी, बाय अम्मो। अम्मो मेरी भतीजी है, भतीजी शिवांश के पापा की सिस्टर की बेटी। अच्छा हम लोग खाना भी खाना है। अम्मो मेरी भतीजी है, मेरे शिवांश के पापा की सिस्टर की बेटी है, और वो चली गई, और यहाँ पे मैं केक खा रही थी और केक बड़ा टेस्टी, मतलब बहुत टेस्टी था और बहुत ही अच्छा लग रहा था केक, और मुझे केक खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चों लोग जैसे मैं केक खाती हूँ, बच्चों जैसे मतलब है इंटरेस्ट लेकर मैं खाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कपड़े चेंज कर ली हूँ और खाना भी खा ली हूँ, क्योंकि हो गया खाना क्या दिखाती, तो हम लोग खाना वाना खा लिए हैं, और क्या बोलूँ मैं अपने आप ही फ्रेंड्स अभी हम लोग खाना वाना खा लिए हैं, और क्या बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग अभी खाना वाना खा लिए हैं, और यहाँ पे शिवांश लेटा हुआ है और टीवी देख रहा है, और क्या बोलते हैं मैं क्या बोलूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिन भर क्यों बोलते हो, तो एक बार बोलते हैं ना, शिवांश बोल रहा है कि मैं बोली क्या बोलूँ, तो शिवांश बोलता है कि हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल बोलो, गंदा है स्क्रीन। फ्रेंड्स मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि केक आएगा, बट आ गया, बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं बोली भी केक क्यों ले आए, हो गया मतलब जो मैं चाहिए तो वो दे दिए मेरे को, तो मैं बोली हो गया केक क्यों लेके आए, और थोड़ा सा मतलब मन थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि इतना धृति को इतना ज़्यादा चोट लग गया, बहुत ज़्यादा चोट, मतलब ना पापा आए ना धृति के,
तो उधृति उछल के कूदने लगी, मतलब वो बच्चे लोग होते हैं ना कि मतलब मम्मी पापा को देखते हैं तो एक्साइटेड हो जाते हैं तो डांस वोस करने लगते हैं, तो वैसे धीरे धीरे डांस कर रही थी। डांस करते करते ना वो जो ड्रेसिंग के लेयर में वो चढ़ी और वहाँ से वो गिर गई, और वो गिरी ना तो उसका जो लिप है ना, लिप के पूरे एक साइड ना ये पूरा फट गया है, और फट गया है ना उसका ब्लड रुक ही नहीं रहा था, रुक रहा था मतलब बह ही जा रहा था, और वो खाना भी खा रही थी अभी ना, मतलब मैं मानना पड़ेगा कि धीरे है इसलिए वो खाना खा ली, अगर कोई और बच्चे को लगा होती है, मेरे को लगा होता ना तो मैं खाना खा पाती, मगर वो लड़की चलो मतलब खाना थोड़ा मोड़ा खाई है, और वो खाना खा रही थी ना तो उसके बिना मुंह से ब्लड निकल रहा था पूरा, मैं बहुत ज़्यादा मतलब उसको चोट लगता है, मैं जानती हूँ बच्चे चोट लगता है, बट ना उसको बहुत ज़्यादा ही चोट लग गई, एकदम ज़्यादा उसको ना मतलब खून ना रुक ही नहीं रहा था, मतलब मैं ना इतने बार गिरी है धीरे धीरे, मगर मैं क्या की कुल्ला करवा के उसको और वो करवा देती थी। ब्लड बह रहा क्या? ब्लड बह रहा उसमें? बोरोप्लस लगा दो ना, बोरोप्लस लगा दो ना उसमें मैं समझ नहीं आ रहा है कि हल्दी लगाऊं कि बोरोप्लस लगाऊं, मतलब अभी इतना रात है कि हम लोग अभी जा भी नहीं सकते, समथिंग अभी ना 12 बज रहे हैं, तो 12 समथिंग 12 बज रहे हैं, तो अभी तो डॉक्टर मिलेगा नहीं, मॉर्निंग में देखती हूँ उसको डॉक्टर पास ले जाऊंगी, और मेरे तो रोमा खड़ा हो गया लड़की का देख कर, बहुत ज़्यादा लग गया, बहुत ज़्यादा वो मतलब वो खाना खा के अभी वो की है उसमें भी उसके पापा उसको ना ब्लड उसका पोंछ ही रहे हैं मुँह का, बच्चों में बहुत गिरते हैं यार, बहुत ज़्यादा गिरते हैं, मतलब बोलते हैं ना बच्चा पालना बहुत मुश्किल चीज़ है, एक बार बच्चा पैदा करना, बट पैदा करना भी मुश्किल है मैं जानती हूँ, बट उसको पालना, उसको परवरिश करना, उसको ना अच्छे संस्कार देना वो ज़्यादा मुश्किल है, कि बच्चे लोग क्या जॉब कर रहे हैं आपसे, क्या जॉब नहीं कर रहे हैं वो सब अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पर सिवान से तेल काटून देखते हैं, कौन गिराया धीति को? अपने शिवांश पापा शिवांश को डांट रहे थे कि आपको वैसे गिरी है, इसलिए क्योंकि शिवांश के साथ डांस कर रहा है, शिवांश भी उसके साथ कूद रहा था, मतलब अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट था, तो हो गया अपोजिट था तो मतलब वो तो गिराया नहीं है, वो दूसरे साइड था, वो दूसरे साइड थी, बट बहुत ज़्यादा चोट लग गया धृति को, और मेन क्या है बर्थडे भी अच्छा था, केक वक भी आ गया, मुझे केक काटना वैसे ज़्यादा पसंद है नहीं, मैं शुरू से ही ना मतलब मेरा बर्थडे आता था तो अपनी मम्मी को मैं बोल देती थी मम्मी मेरे लिए कपड़ा ले देना ना, मैं केक नहीं काटूंगी, मैं केक वक नहीं काटना, मुझे मुझे मेरे लिए कपड़े ले देना, तो वैसे आ रही हूँ ना, आ रही हूँ दिखाती हूँ कहाँ से लगा उसको, मैं समझ नहीं आ रहा कि मेरी बेटी कैसे करेगी, कैसे खाएगी पीएगी, मैं तो जानती हूँ ठीक हो जाएगा, बट अभी तो फिलहाल में शिवांश कैसे ठीक होगा धृति, अब एक बार मम्मी को हैप्पी बर्थडे बोल दो, शिवांश आई लव यू, शिवांश आई लव यू, शिवांश कैमरा साफ नहीं है किया, चल मैं जा रही हूँ, रो रही है मेरी बेटी रो रही है, उतर आती है लोग ये पूरा ब्लड है सिवान धृति का, धृति अरे बाबा पूरा अंदर कटा है ना, यहाँ पे वो नाच रही थी, यही सामान रखा हुआ था और डायपर अभी रखे हैं तो इसके ऊपर नाच रही थी, ये पूरा कॉटन है उसका ब्लड पोछा हुआ और यहीं से वो गिर गए ऐसे, शिवांश क्या करा बेटा शिवांश ना धृति करा, धृति मोबाइल रखी क्योंकि उसको चोट लगा है, तो शिवांश उसको चुप चुप के देख रहा है। फ्रेंड्स यहीं पे मैं वीडियो को अपनी एंड करती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा ज़्यादा आप इसे देखिए वीडियो को,
क्या बोलूँ, अच्छा ही लग रहा है।